हेलो बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अच्छी आदतें, मींस गुड हैबिट्स। वो आदतें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। मतलब कि आपको सुबह में अपने बिस्तर को आप जल्दी त्याग कर दो, बिस्तर को जल्दी छोड़ दो और अपने जो है डेली रूटीन के हिसाब से जो आप करते हो वो काम करो। यानी गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्रतिदिन योग करना चाहिए। योगा शुड बी डन डेली। योगा करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ओके, और हर एक योगा का फायदा जो है उसके अलग अलग कंपटीशन लेवल से होता है। ओके, योगा का तो कंपटीशन भी हमारे इस देश में, हमारे इस वर्ल्ड में योगा का कंपटीशन भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रतिदिन नहाना चाहिए। टेक ए बाथ एवरी डे, प्रतिदिन नहाना चाहिए। ओके, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छी बातें हैं, ये भी अच्छी आदतें हैं, गुड हैबिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दिन में दो बार दांत मांजना चाहिए। दिन में दो बार दांत मांजना चाहिए, एक सुबह में जब उठते हो तब और एक सोने से पहले। ओके, यानी ब्रश योर टीथ, ट्विस्ट अ डे, यानी कि ब्रश जो है, ट्विस्ट मतलब हो गया दो, है ना, दो, है ना, एक दिन में दो बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्रातःकाल टहलना चाहिए। गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह उठकर हमें अपने घर में ही जहाँ थोड़ा सा जगह हो टहलने के लिए, या फिर आपके अगल बगल में अगर आपके गार्डन है तो वहाँ पर जाकर के आप टहल सकते हैं। नेक्स्ट है समय पर भोजन करना चाहिए। हैव फूड ऑन टाइम, समय पर भोजन करना चाहिए। ओके, समय के अलावा अगर आप, जैसे आप सुबह में नाश्ता करते हो 9 बजे, तो ऐसा नहीं करो कि आप 11 बजे नाश्ता करो, ऐसा मत करो। ओके, हाँ 5-10 मिनट 15 मिनट लेट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट समय का पाबंदी होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता हमें करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है बाबू, नेक्स्ट है खेलों में भाग लेना चाहिए, यानी पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। तो खेलों में भाग लेने से हमारे अंदर का जो है अंदर जो छुपा हुआ हमारा जो रहता है, क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, हो सकता है आप एक फुटबॉलर बन सकते हो, आप एक क्रिकेटर बन सकते हो, ओके, आप एक रेसलर बन सकते हो। तो हर एक खेल में भाग लेना चाहिए, उससे आपके अंदर का जो है आपको अपना पावर, अपना एनर्जी पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपस में लड़ना नहीं चाहिए, यानी कि नेवर फाइट, कभी नहीं विथ इच अदर, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ये अच्छी आदतें नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, समय पर गृह कार्य पूर्ण करना चाहिए। कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम। आपको जैसे कोचिंग में, ट्यूशन में या फिर स्कूल में, कॉलेज में जो भी वर्क मिलता है होमवर्क के रूप में जो मिलता है, उनको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप ये मत करना कि भाई 1 घंटा बाद बना लेंगे 2 घंटा बाद बना लेंगे। उससे क्या होगा, आप किसी काम में आप उलझ गए तो वो भूल जाओगे आप, और स्कूल का टाइम हो जाएगा तो आप उस टास्क को कंप्लीट करोगे ही नहीं, तो उससे क्या होगा, डांट आप सुनोगे। ओके, अपने टीचर से क्या करोगे, डांट सुनोगे आप। इसीलिए आप समय को रहते हुए इसे अगले समय के लिए मत डालो, ठीक है, समय पे काम कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ओके, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। अब देखिए, फूल तो अपने काम के अकॉर्डिंग तोड़ना चाहिए। काम अगर आपको है, जैसे आप पूजा कर रहे हो, या फिर आप जैसे में स्वतंत्रता दिवस में फूलों की ज़रूरत होती है, फ्लैग में, झंडे में फूल को लगा करके हम लोग झंडे का मतलब उत्तोलन करते हैं, मतलब अपनी खुशी को मतलब दर्शाते हैं, तब आप तोड़ सकते हो, लेकिन फालतू का फूल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑलवेज थ्रू वेस्ट मटेरियल इन डस्टबिन, यानी हमेशा
कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, है ना। कूड़ा जहाँ मन तहाँ मत फेंको, उससे क्या होता है आपके अगल बगल का वातावरण देखने में सही नहीं लगता है, ठीक है। सो आप इस तरह आप अच्छी आदतें गुड हैबिट्स आप सीख सकते हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हो, ओके। इससे आपके शिष्टाचार होने का सबूत मिलता है, यानी आप में कितना शिष्टाचार है, यही सब देखकर अगला इंसान आपको समझता है कि इसका जो है परवरिश किस टाइप का है, ओके। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको फॉलो करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, अपने इंडिया का नाम रोशन करो। सो थैंक यू।